बीरो बीरो क्या जगह है यार वो तू भाई वो साम तो लोग कैसे हो तुम सब बढ़िया होंगे आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में गाइस। और आज अभी के बजे बराबर और बराबर 3:30 गाइस। और आज है मेरा प्लान हमारे हेडो में एक नेचर पार्क खुला है गाइस। तुमको पता होगा खुला नहीं बहुत दिन से बहुत एक साल से खुल चुका है और आज उधर जाने वाला है। मैं तुमको दिखाऊंगा बहुत सारी जगह। पिछली बार भी गए थे मेरे दोस्त के साथ बट उस टाइम बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं दिखा पाया बट आज दिखाऊंगा तुमको बहुत सारी चीजें। सिनेमैटिक वीडियोस लेंगे बहुत कुछ करेंगे तुमको बताएंगे गाइस। और अभी अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट करो सब्सक्राइब चैनल लाइक द वीडियो और शेयर करो वीडियो को और कमेंट अपना फेवरेट पार्ट बताना जो भी तुमको लगता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्या करना है वो भी तुमको बताते हैं और जो भी करेंगे वो तुमको जरूर बताएंगे। तो बढ़ते हैं गाइस वीडियो गाइस। तो फाइनली हम नेचर्स पार्क पहुंच चुके हैं और ये पहले की जैसे जैसे तुम देख सकते हो ओ भाई फुल एक साल बाद मैं इधर आ रहा हूँ गाइस। लिटरली एक साल बाद नेचर्स पार्क में एंट्री कर लिया है और ये एकदम मीन्स ऑसम जगह है यार। ऐसे तुम देख सकते हो ऐसे ही तुमको एक दे रहा हूँ। पहले वहाँ पे तो भाई पहले के टाइम में वहाँ पे एक जू था अभी नहीं है और यहाँ पे एकदम देखो यार ऑसम जगह है। और भी हम अंदर जाएंगे तुमको दिखाएंगे। और भाई गार्डन का नाम है रॉक गार्डन पत्थर का गार्डन है भाई। चलिए गाइस देखो यहाँ पे मैं किस लिए आया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा भाई। भाई ये तो बच्चों की जगह है यार बच्चे खेल रहे हैं मैं क्या करूंगा यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं यार वीडियो बनाना है वीडियो बना के जाएंगे। और भी बहुत डीप तक है भाई शीशोर तक है ये रास्ता नेचर्स पार्क का। बहुत बढ़िया जगह है यार। और मैं तुमको दिखाता अगर जूम होता है तो वहाँ पे क्या लिखा है मोहित वहाँ पे क्या लिखा है भैया वहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस पार्क। तो यहाँ पे तो चिल्ड्रंस ही होंगे ना भाई बुद्धू साले। हाँ गए तो चलो आगे बढ़ते और तुमको दिखाते हैं। और बच्चे देखो खेल रहे हैं भाई। वो जो ऊपर वाली जो जगह है ना भाई वो मुझे एकदम ऑसम लगती है। एकदम ग्रास ग्रास है ना तो वो तो भाई एकदम ऑसम लगती है। और ये जगह मीन्स ना भाई मुझे उतनी भी ज्यादा खास नहीं लगी यार। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे चिल्ड्रंस पार्क है ये और यहाँ पे नॉर्मल चलने वाला है तुमको फोटो खिंचाना है फोटो खिंचाओ भाई। यहाँ पे बंदे अगर इतना फोटोज खिंचाते ना पूछो मत एकदम ऑसम लग रहा है। बट ऑसम तो नहीं बोलेंगे हाँ फॉर योर सेफ्टी कैरी योर ओन सैनिटाइजर वियरिंग मास्क इज मैंडेटरी मेंटेन दो गज की दूरी मास्क का जरूरी अरे बा प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन। बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ब्रो क्या बात बोली है मजा ही आ रहा है ब्रो। बट ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट लागू होती है गाइस क्योंकि ये सब चीज भाई यहाँ पे ना एकदम सुनसान क्यों है यार भाई यहाँ पे कोई चल नहीं रहा ब्रो ऐसा क्यों लग रहा है ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा ब्रो यहाँ पे मतलब कुछ बोर्ड तो नहीं है। चलो जाकर देखते भाई लिटरली 30 रुपये दे के मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्या देखना है भाई टोटोइस देखने ओके चलो देखते हो भाई टोटोइस। और उधर भी मैं दिखाता हूँ भाई सांप है यार वो तो भाई वो सांप है तुम देख सकते हो भाई। टोटोइस और सांप ओके गाइस जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे उसके अंदर हम जा रहे हैं गाइस इन 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई जन्नत आ गए भाई जन्नत में आ गए ब्रो। ओ भाई तितली को देखो ब्रो 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 बीरो बीरो क्या जगह है यार हंगामा भाई एकदम मौसम जगह है लिटरली। देखो ना यार एकदम मीन्स तालाब देखो वहां पे बैठ के फोटो शूट करते हैं कोई कोई भाई एकदम छपरी इंस्टाग्रामर होते हैं ना तो वहां पे भी जाके बैठ के फोटो शूट कर लेंगे भाई इतने छपरी लोग होते हैं। मैंने देख के अपना लाइफ में मैंने बहुत छपरियों को देखा है। कि एक बार क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त था हम आए थे ठीक है ना भाई वो इतना बड़ा इंस्टाग्राम का पागल था वहां पे चढ़ के उसने फोटो खिंचा ली। और भाई और यहाँ के जो भैया थे हाँ वॉचमैन भैया आकर चिल्ला रहा है क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और उसने कहा भैया मैं फोटो शूट कर रहा हूँ फोटो शूट क्या कोई ऐसे करता है क्या पानी में खींचा के फोटो शूट कर ले। हाँ भाई यही सीन है कुछ कुछ छपरी इंस्टाग्रामर को मैंने देखे है भाई। हाँ तो बहुत ज्यादा ऑसम लग रहे हैं बहुत ज्यादा। डू नॉट प्लक द फ्लावर भाई फ्लावर को तोड़ना मना है ठीक है भैया फ्लावर को मत तोड़ो फ्लावर एक दिन सड़ जाएंगे भैया। क्या भाई तुम लोग ऐसे सब बातें करो ठीक है भाई
सबका अपना अपना रूल होता है, बट बहुत ज्यादा औसम है गाइस ये जगह, बहुत ज्यादा औसम है, देख सकते हो भाई। भाई कंटेंट अगर चाहे तो भाई मैं स्मॉल यूट्यूबर्स को एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं कंटेंट चाहे तो नेचर्स पार्क आ जाओ भाई, हैडो में आ सकते हो तुम। और ये देखो ना ब्रो, ये क्या है भाई, लंबे लंबे भाई, पहली बार देखा है बट औसम है। और वो देखो भाई, वो भी क्या औसम लग रहा है ब्रो, एकदम अलग ही फील आ रही है यार, मीन्स पूछो मत भाई क्या वाइब मिल रही है यार मुझे। वो भाई तालाब भी है ब्रो, हंगामा भाई हंगामा। गाइस तो अब हम आ चुके हैं एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं लैंडस्केप वाले एक सीनरी में। यहाँ पे बहुत यहाँ का जो व्यू है ना भाई बहुत ज्यादा औसम है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लिटरली 3-4 बार तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और बहुत ज्यादा औसम है। और एक चीज दिखा दो भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओ भाई फिशेस का है भाई, फिशेस तो एक भी मुझे नहीं दिख रही भाई। ओ भाई भाई तुमको भी नहीं दिख रही क्योंकि मेरा जो कैमरा है ना भाई एकदम बकवास कैमरा है। बहुत जन बोल रहे हैं कि मुझे भाई कैमरा का क्वालिटी इंप्रूव करो। हाँ भाई करेंगे, डोंट टेक टेंशन, आई विल टेक टेंशन, यू विल, भाई तुम टेंशन मत लो यार। भाई व्यू देखो यार, क्या औसम व्यू है, देखो यार मस्त व्यू है भाई। ओ भाई बंदा फोटो शूट कर रहा है, ओ भाई क्या है ब्रो, यहाँ पे हवा भी एकदम मौसम आ रही है और मस्त जगह है यार। मीन्स अगर तुमको चिल करना है तो तुम नेचर्स पार्क में आ सकते हो, बट यहाँ पे तुमको कुछ देखने नहीं मिलने वाला कुछ। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि भाई जानवर देखने आएंगे तो यहाँ पे कुछ जानवर वानवर कुछ नहीं है। तुमको अगर चिल करना है तो यहाँ पे तुम आ सकते हो, बहुत ज़्यादा औसम जगह। भाई देखो यार क्या हवा चल रही है यार, पूछो मत, जो हवा चल रही है ना, नहीं पूछे तो चलो यार सीढ़ी हम चलते हैं भाई। मैं निकलता हूँ, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको सब कुछ दिखाऊंगा यार, सब कुछ समझ लो, सब कुछ दिखाऊंगा। ये क्या लिखा है, चलो जाते फटाफट। गाइस हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सेम जैसे, देख सकते हो भाई इधर भी एकदम फ्लावर फ्लावर ही है। ओ भाई ये देख सकते हो, आगे भी फ्लावर, पीछे भी फ्लावर, सब जगह फ्लावर ही फ्लावर है। और मीन सारे फ्लावर का मीन्स भाई नाम है यार, जैसे तुम देख सकते हो, हाँ सारे फ्लावर्स का नाम भी है। ओ भाई हंगामा लग रहा है ब्रो, और लिटरली भाई एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है यार, एकदम ग्रीन ग्रीन, समझ रहे, एकदम ग्रीन ग्रीन, हर एक प्लांट के बारे में डिटेल से दी गई है यार, डिटेलिंग करी है यहाँ पे, एकदम ऑसम लग रहा है यार। मीन्स कुछ कुछ जगह इतनी ज्यादा ऑसम है ना भाई, पूछो मत। और देखो भाई पॉट ही पॉट है यार, यहाँ पे हंगामा लग रहा है यार, ये भी ओ ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। तो ये है गाइस, सुबह से आना है यहाँ पे, जगह एंड हो जाएगा, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं दिखाने को तुमको। मैं सोच रहा हूँ एक दिन हम बहुत बढ़िया जगह जाने वाले, जैसा कि वंडूर जाएंगे। और भाई पिछले ब्लॉग में बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया है तुम लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू गाइस, आई लव यू सो मच, आई लव यू गाइस। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये चैनल बस हे गाइस करने वाला, तो ये ऐसा तुम गलत सोच रहे हो कि हम बहुत चैलेंजेस भी करने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े चैलेंजेस मेरे माइंड में आ भी रहे हैं, तो हम वो भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। बट अभी तो मैं 10th में चला गया हूँ, बोर्ड भी है, बहुत सारा प्रेशर भी है पेरेंट्स का, बहुत सबका प्रेशर्स है, तो हाँ करेंगे, चैलेंजेस करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम आ रहे तो भाई प्रीवियसली मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर रख दूंगा, तो जब एग्जाम के दिन प्रॉब्लम नहीं होने के लिए वीडियोज़ मैं पहले से बनाकर रख दूंगा। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इतना ही कुछ था दिखाने के लिए, और अभी 5 ही बज चुके हैं और ये पार्क 5 बजे बंद हो जाता है, हम जा रहे हैं। अभी टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का, गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो आप लोग इस ब्लॉग को लाइक कर सकते हो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, तो मैं भी मित्र साइन आउट, पीस आउट, बाय गाइस एंड आई लव यू गाइस, एंड 3 और 5 सब्सक्राइबर्स, 3 सब्सक्राइबर, आई लव यू गाइस।